एनटीए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सवालों का जवाब मिलना तो दूर, और सवाल खड़े होते हैं। कई बार जवाब देते वक्त उन्होंने सेम ही बातों को घुमाया फिराया है, कोई भी प्रॉपर एविडेंस के साथ उन्होंने नहीं बताया है, और कई सारी चीजों पे उन्होंने बातों को इग्नोर कर दिया। जैसे कि उनको पूछा गया कि आपने कितनी रेंज में मार्क्स दिए गए, आप देखोगे, उन्होंने बोला कि हम बताएंगे आपको। जब उनसे पूछा गया कि इस एग्जाम में उस एग्जाम का रेफरेंस, क्लैट का रेफरेंस लेके आप नीट में क्यों उसका ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, उन्होंने बताया कि बात तो सिर्फ वो टाइम लॉस की है, उतने के लिए हमने डाला है। अरे यहां पे आप एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, फिजिक्स में अलग समय लगता है, केमिस्ट्री में अलग समय लगता है, और बायोलॉजी में अलग समय लगता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप कैसे वो टाइम लॉस का फॉर्मूला जो क्लैट एग्जाम का है उसको यहां यूज कर सकते हो। इस चीजों पे आपने बातें नहीं की। अगर ये पटना केस वाली बात प्रूव हो गई तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे, तब क्या बताओगे, उसके ऊपर भी आपने कोई बात नहीं करी। इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साध रहे हो। आपने उन बच्चों के पेरेंट्स को भी जवाब नहीं दिया जिन बच्चों ने अपनी जान ले ली है।